हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं रिव्यू भी करना चाह रहा हूँ, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसकी मुझे ज़रूरत तो थी। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मेरे इंदौर वाले ब्लॉग में मैंने GoPro Hero 6 लिया था ब्लैक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, यहाँ पर लिंक आ रही होगी, आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। तो हुआ यूँ कि भैया मैंने सेकेंड हैंड लिया था। आज के टाइम पे हीरो 6 हीरो 7 अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो मैंने सेकेंड हैंड लिया था क्योंकि भैया मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि भैया एक्शन कैम नहीं है, फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, मोटो व्लॉग्स भी जो कर रहा हूँ मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, क्वालिटी बिगड़ रही है। तो फाइनली इसका समाधान हो गया। GoPro का भी सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा, उसका भी रिव्यू करूंगा। अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है एक, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे। बट अभी जो है GoPro लिया है, बहुत प्यारी चीज़ है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना था क्योंकि उसकी जो हाउसिंग आती है, भैया सेकेंड लिया था तो भैया पुराना था तो हाउसिंग मिल नहीं पाई उसकी। साथ में उसने बंदे ने, सामने वाले ने माउंट्स बहुत सारे दिए हैं, मतलब एक्सेसरीज बहुत सारी दी हैं, बट वो जो ओरिजिनल हाउसिंग जो उसके साथ आती है वो थी नहीं। तो कोई बात नहीं, प्रोटेक्शन उसकी करना थी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा GoPro Hero 6 ब्लैक। तो ये ओपन ही है, मतलब हाउसिंग है नहीं इसकी, मतलब जो माउंट के लिए आती है वो है नहीं। तो मेरे पास ये भी था जो केस आता है इसका, मोटो व्लॉगर्स जो मोस्टली यूज़ करते हैं उलानजी का ये केस है। इसमें भैया आ जाते हैं माउंट्स, आ जाते हैं माइक के लिए आ जाता है, इसका भी एक अलग वीडियो बना देंगे। तो हाँ, 100 बात की एक बात, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना था क्योंकि हर टाइम मैं उसमें लगा के रखता नहीं हूँ। तो उसके लिए मैंने ये क्या बुलवाया है, उसके लिए मैंने बुलवाया है एक्शन प्रो का सिलिकॉन रबर केस जो लेंस प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं अमेज़ॉन से प्रोडक्ट्स नहीं बुलवाने वाला हूँ, बट फिर भी मैंने, चलो लास्ट ट्राई देते हैं अमेज़ॉन को, तो इस बार थोड़ा ठीक ठाक भेजा है इन्होंने। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ये रहा इसका बॉक्स, इसे हम खोलते हैं। तो मैंने वैसे ओपन एक बार कर चुका हूँ इसको मैं, क्योंकि चेक करना रहता है। मैं जब भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, मैं डिलीवरी बॉय के सामने ही चेक करता हूँ कि भैया कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे पास गवा रहा है। वैसे मैं वीडियो बना सकता हूँ लेकिन उसके सामने दिखा देता हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये तो बिल है और ये है एक्शन प्रो की तरफ से सिलिकॉन रबर केस। तो खोलते हैं इसको, तो कुछ इस प्रकार से सिलिकॉन का ये रबर आपका केस आपको देखने को मिल जाता है। ये कंपेटिबल है हीरो 5 हीरो 6 हीरो 7 तक के लिए कंपेटिबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसके साथ आपको ये छोटा सा लेंस कैप भी मिल जाता है जो अच्छी खासी प्रोटेक्शन दे देता है। तो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा महंगा है ये, इतना मुझे लगता नहीं इतना वर्थ है ये। क्वालिटी मतलब ठीक है, लेकिन मुझे ये 440 रुपये का पड़ा। 400 रुपये इसकी प्राइस अमेज़ॉन पे शो कर रही थी, 40 रुपये डिलीवरी चार्ज लगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको प्रोटेक्शन से मतलब है। क्योंकि मेरे DSLR है, मैं DSLR का भी बताऊंगा। मैंने उसके लिए भी सिलिकॉन केस बुलवाया था बहुत पहले, वो मुझे 1100 का पड़ा था। तो ये भी ठीक है, इतनी महंगी आती होंगी चीज़ें। माइक्स के लिए जो है जगह छोड़ रखी है, बट जो भी आपको, अगर इसको आप लगा लेते तो बैटरी वैटरी चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर कोई स्पेसिंग नहीं है। तो पहले लगाते हैं इसको GoPro में और फिर देखते हैं आगे। ये रहा हमारा GoPro, इसमें हम लगाते हैं इसे इस तरीके से, ये अंदर जाएगा, थोड़ा सा टाइट और टाइट ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसमें लग जाता है, पूरा कवर कर लेता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये लेंस कैप इस पर इस प्रकार से लग जाता है। तो ये पूरा आपको कहीं रख के ले जाना है टूर वूर पे, आप जेब में रखते हैं तो आपको डर लगता है कि लेंस घिसा ना जाए इसका, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी। इसको आप लगा के रखेंगे, आप इसको चाहें तो डोरी से भी कनेक्ट बांध के रख सकते हैं, इधर स्पेस दे रखी है तो डोरी से आप बांध सकते हैं इस पर ताकि ये गुम ना हो जाए। और भैया गुम हो गया तो भैया आधे पैसे आपके फालतू ही गए हैं। ये देखिए, तो ये एक जो चीज़ है मुझे थोड़ी सी बेकार लगती है। एक इसका एक और मॉडल आता है, उसमें आप हाउसिंग के ऊपर ही इसे चिपका सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं हाउसिंग के ऊपर ही, तो वो थोड़ा सा बेटर है, वो इससे थोड़ा सा सस्ता भी है, वो करीबन 350 रुपये का पड़ता है।
बाकी जो ये माइक के छेद दे रखे हैं मुझे अभी थोड़ी सी मतलब डाउट ये भी है कि ये आवाज़ भी थोड़ी सी रोक लेते होंगे, तो एक बार चेक करते हैं कि भैया बिना केस लगाए हम इसे चेक करते हैं और फिर केस लगा के इसकी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि भैया दोनों में साउंड में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। GoPro से और GoPro में अभी मैंने लगा रखा है केस, तो अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार का साउंड आ रहा होगा। और फ्रंट से भी मैं अगर बोलता हूँ तो भैया कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रही है मुझे, अभी सुन के देखूंगा अभी मैं, क्योंकि अभी तो सुन नहीं पा रहा हूँ रिकॉर्ड करते टाइम, तो अभी जब मैं सुनूंगा तब शायद तक मुझे डिफरेंस समझ में आ जाए। बाकी अभी कुछ मुझे डिफरेंस समझ में आ नहीं रहा है, और मतलब कैमरा देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है अगर मैं इस हाथ में लेके अगर चलता हूँ बिना हाउसिंग और या कुछ लगाए तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आई कैचिंग लगता है, लोग भी देखेंगे बोले यार बहुत प्यारी चीज़ लग रही है, तो ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम इसको मतलब केस को निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं साउंड में कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ बदलाव आया है या नहीं। अभी हमने जो है केस निकाल दिया है, ये आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, तो अभी कैमरा जो है ओपन है, GoPro एकदम ओपन है, जो भी साउंड आ रहा है क्लियर आ रहा होगा। और इस तरफ से भी अगर मैं बोलूं तो ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं कि डिफरेंस आया होगा, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन के हिसाब से ये चीज़ मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ठीक लगती है मुझे। तो फ्रेंड्स इसको हमने यूज़ करके देख लिया, आपने खुद देखा होगा इसको लगाने के बाद आवाज़ दब रही है थोड़ी सी, माइक के होल्स जगह पर हैं बट फिर भी इसको लगाने के बाद क्यों पता नहीं आवाज़ दब रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इसको अगर ऐसे यूज़ में लेना चाहें कि भैया इसको लगाने के बाद मैं मोटो व्लॉग या फिर कुछ कर लूँ, तो वैसे तो हो पाएगा नहीं, मैंने बताया इसमें कुछ ऐसी जगह दे नहीं रखी है। इसको अगर आप सिर्फ रखना चाहें कि भैया फ़ोन इसको मैं संभाल के रखूं, कोई गिरे पड़े तो स्क्रैच ना आए ये, तो इसलिए आप इसको रखने के लिए, सेफ़ रखने के लिए आप ये केस यूज़ कर सकते हैं, बट मोटो व्लॉगिंग और ये अगर करते हैं तो ये किसी काम का नहीं है। बस ये क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा आवाज़ दबा देगा, आपकी ऑडियो क्वालिटी बिगड़ेगी, सब कुछ बिगड़ेगा, और एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए भी आपको इसको निकालना ही पड़ेगा, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी निकालना ही पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आपको निकालना पड़ेगा, बैटरी बदलना हो, SD कार्ड बदलना हो, चार्जिंग पे लगाना हो, तो सब के लिए इसको खोलना ही पड़ेगा। तो बस ये एक कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए आप इसको रख सकते हैं, मैंने प्रोटेक्शन के हिसाब से ही बुलवाया है क्योंकि भैया मेरे पास वो वाली हाउसिंग है नहीं इसकी जिसमें इसमें डायरेक्ट लगा लूँ मैं, मेरे पास ओलांजी का केस है जिसमें मुझे डायरेक्ट उसमें प्लग एंड प्ले करना पड़ता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट हाँ अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, बाकी किसी यूज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ये चीज़ पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।